दुर्ग पुलिस ने बीती रात दुर्ग के नया बस स्टैंड पहुंचकर सरप्राइज चेकिंग की। वहां मौजूद लोगों में अचानक पहुंचे पुलिस टीम को देखकर अफरा तफरी का माहौल रहा। जांच के दौरान दुर्ग पुलिस को बड़ी कामयाबी भी हाथ लगी है। दुर्ग के नया बस स्टैंड में बीती रात दुर्ग पुलिस के द्वारा दुर्ग सीएसपी के नेतृत्व में अचानक सरप्राइज चेकिंग का अभियान चलाया गया। इस चेकिंग के दौरान मौजूद खड़ी बसों की जांच शुरू कर दी गई। बताना चाहेंगे, इस दौरान बड़ी संख्या में थानों की तीन तीन टीम मौके पर पहुंची और अचानक जाँच में जुटी देखी गयी। इस दौरान लंबी दूरी पर चलने वाली लग्जरी बसों की जांच पड़ताल की गई, जिसके चलते वहां अफरा तफरी का माहौल बना रहा। एक बस की जांच में लगी पुलिस टीम को बड़ी मात्रा में अवैध गांजा और वहीं दूसरे के पास से चांदी मिला। इस दौरान मौके पर ही गांजे के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया। वहीं जब्त चांदी के साथ पकड़े गए व्यक्ति से पूछताछ की जा रही है। आपको बताना चाहेंगे, जिस बस में गांजा मिला उस बस के यात्रियों को उतारकर पूरे बस की चेकिंग की गई थी। दो अलग अलग बसों से ये अवैध सामग्रियां जब्त की गई है। फिलहाल दुर्ग पुलिस इस मामले में पूछताछ कर रही है। आज वरिष्ठ अधिकारियों के दिशा निर्देश पे बस स्टैंड पे सूचना पर रेड कार्रवाई की गई थी। बसों की चेकिंग की, आकस्मिक चेकिंग भी की गई और रेड कार्रवाई भी की गई, जिसमें एक व्यक्ति की तलाशी पर से उसमें मादक पदार्थ प्राप्त हुए, जिस पर से कार्रवाई की जा रही है। हाँ, एक व्यक्ति से चांदी बरामद हुई है, उसके अभी दस्तावेजों की भी जांच की जा रही है कि चांदी कहाँ से लेके आया है, और उसके बाद अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। एसीएन न्यूज़ के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।